चलिए तो आज आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के उस अलौकिक स्थान पर जहां से यह दावा किया गया था कि उन्नाव जिले में लगभग 1000 टन सोना गड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके फेवरेट चैनल ऋषि ब्लॉग माई जर्नी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं कानपुर शहर से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर सिबली के एक गांव में स्थित सोबन सरकार आश्रम में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कितनी अच्छी झील है। तो फ्रेंड्स, कानपुर जैसे शहर के एटमोसफेयर में आपको इतनी शांति नहीं मिलेगी, तो अगर आप कहीं रिलैक्स करना चाहते हैं तो कानपुर में ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये झील बहुत ही बड़ी है और ये जगह बहुत सारे एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सोबन सरकार जी के बारे में कुछ। सोबन सरकार जी का पूरा नाम परमहंस स्वामी विरक्तानंद था। ये बचपन में ही 11 वर्ष की उम्र से ही इनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी। फ्रेंड्स, ये जगह 2013 में सुर्खियों में तब आई जब सोबन सरकार जी ने दावा किया कि उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा जगह में राजा राम बख्श के किले में 1000 टन सोना गड़ा हुआ है। ये बात पता चलते ही केंद्र सरकार द्वारा उस स्थान पर खुदाई की गई, लेकिन 12 दिनों की खुदाई के बाद सोने का एक तिनका भी नहीं मिला। इसके बाद केंद्र सरकार ने वहां पे खुदाई बंद करा दी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये झील। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर बाद। आप देख सकते हैं चारों ओर झील का नजारा कितना ही अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पे झील की अपनी ही एक कहानी है। दोस्तों, इन झीलों में आपको कछुए, बतख और मछलियाँ भी तैरती हुई मिलेंगी। दोस्तों, ये नज़ारा बेहद ही सुंदर है। अगर आप इनको कुछ खिलाना चाहें तो यहाँ पर ला के इनको खिला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन झीलों का इतिहास क्या है, ये जगह कब बनी और कैसे बनी, इसको जानने के लिए मेरे ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही तपस्वी स्थल है जहाँ से रास्ता गया है। यहाँ पे ये डोर क्लोज है, यहाँ से अभी आप इसको नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए और आपको लेके चलते हैं कानपुर आइलैंड की ओर। यहाँ से तो रास्ता क्लोज है, लेकिन मैं पीछे से आपको ये दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक जगह वो है जिसको कानपुर का आइलैंड बोला जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ही अच्छा आइलैंड है, ये झील के बीचों बीच है। आप देख सकते हैं ये झील कितनी सुहावनी है। तो वहाँ पे वो जगह अभी गेट बंद था, इसलिए मैं आपको वहाँ से अंदर नहीं ले जा सका, बट अभी आप पीछे से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना ही सुहावना नज़ारा है। आप देख सकते हैं पीछे झील का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ये ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा और मिलते हैं कुछ देर बाद। दोस्तों, सोबन सरकार जी का आश्रम केवल कानपुर में ही नहीं बल्कि उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, औरैया में भी इनका आश्रम, झीले और मंदिर हैं। दोस्तों, कानपुर के सिवली क्षेत्र में जहाँ पर यह आश्रम है, 15 साल पहले यहाँ पर हालात ऐसे थे कि पांडु नदी की गहराई अधिक होने के कारण पांडु नदी का पानी खेती और किसानी में सिंचाई के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा था। तब सोबन सरकार जी ने एक पब्लिक कैनाल और तीन झीलें बनाकर बंजर भूमि को नवजीवन दिया। ये पब्लिक कैनाल शुरू हो जाने के बाद 40 से अधिक गांवों की भूमि बंजर से उपजाऊ हो गई और उनको नया जीवन मिला। इसके अलावा स्वामी विरक्तानंद जी ने यहां पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनवाए हैं। चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए हनुमान जी के दिव्य पवन तनय मंदिर के। यहाँ के स्थानीय लोग इस कुएं के जल को सभी तीर्थों का जल मानते हैं।
यहाँ पर मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैं आपको यहाँ की मूर्तियाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों, उन्नाव के बक्सर के गंगा पुल निर्माण की शुरुआत भी शोभन सरकार द्वारा ही हुई थी। दोस्तों, शोभन सरकार जी ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, इन्हीं कार्यों के कारण वे प्रचलित होते चले गए। शोभन सरकार जी के इन्हीं सामाजिक कार्यों के कारण बहुत सारे स्थानों में आज इनके आश्रम हैं। इनके आश्रम कानपुर, उन्नाव, चित्रकूट, फतेहपुर और भी अन्य स्थानों में हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऋषि व्लॉग माय जर्नी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।